हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी में। आज अपन बात करने वाले हैं एब्सपोर क्रीम के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। इस चैनल पर आपको मेडिसिन, स्किन और ब्यूटी से संबंधित हर तरह का वीडियो मिलेगा। तो बिना समय खराब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एब्सपोर क्रीम, तो अपन इस वीडियो में इसकी प्राइस, इसके बेनिफिट, इसके यूजेज, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ये जो एब्सपोर क्रीम है यह क्या काम आती है, तो यह एक प्रकार से एंटी फंगल क्रीम है। यदि अपने शरीर के अंदर खुजली चलती है तो उसके इस्तेमाल में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। यदि अपनी स्किन के ऊपर रेडनेस आ गई, रेडनेस की वजह से खुजली आ गई, सूजन आ गई, बहुत ही आसानी से यह उसको दूर करने में काफ़ी अच्छी मदद करती है। खुजली की वजह से अपने शरीर पर अपन खुजलाते हैं तो वहाँ पर रेडनेस आ जाती है और रेडनेस की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। या फिर खुजली के अलावा दाद हो गए, खाज हो गई, ऐसी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि दाद खाज खुजली को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी यह एक प्रकार से एंटीफंगल क्रीम बनाई गई है। इसके अंदर अपन कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है एबरकोनाजोल, जो कि एक प्रकार से एंटी फंगल एजेंट है। यह बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसके अंदर जो सॉल्ट दिया गया है एबरकोनाजोल, यह बहुत ही आसानी से कई प्रकार की क्रीम्स के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। यह मेरे हाथ में एब्सपोर एक प्रकार से इसका ब्रांड नेम है। तो यदि आपको मेडिकल स्टोर वाला दूसरे ब्रांड की कंपनी देता है तो आप इसे बेझिझक ले लीजिए, बट इसके अंदर जो इसका साल्ट नेम है एबरकोनाजोल, यह सेम होना चाहिए, ब्रांड नेम चेंज हो सकता है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि अपने हाथों की अंगुलियों के अंदर खुजली चलती है, पैरों की अंगुलियों के अंदर खुजली चलती है, या फिर बॉडी के कोई से भी पार्ट पर आपकी खुजली चलती है, तो यह उस खुजली को रोकने का कार्य करता है। साथ में जो खुजली वाले बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है, तो यह एक प्रकार से एंटी फंगल एंटीबायोटिक क्रीम है। तो बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अपन इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 80 रुपये, जिसके अंदर 30 ग्राम की डिब्बी दी जाएगी। अभी मेरे पास 5 ग्राम का ये एक प्रकार से सैंपल पैक है। बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि अपने शरीर के अंदर खुजली की समस्या रहती है, दाँत की समस्या रहती है, खाज की समस्या रहती है, तो उसको दूर करने के लिए यह एक प्रकार से बहुत ही अच्छी क्रीम बनाई गई है। आप इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह लेकर कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें दिन में कितनी बार लगाना चाहिए। तो यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप एक बार सुबह और एक बार शाम को लगा सकते हैं, बट इसको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका नाइट को रहता है। आप नाइट को यूज कीजिए और सो जाइए, जिससे कि यदि अपनी स्किन पर यह क्रीम लगी रहेगी तो सुबह तक इसका असर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो इसके बैक्टीरियाज अपनी स्किन पर रहते हैं, जिसकी वजह से अपने फंगल की प्रॉब्लम रहती है, तो यह एंटी फंगल क्रीम है उसे बैक्टीरियाज को किल करने में बहुत ही अच्छी मदद करती है। तो यह एक प्रकार से एंटी फंगल एंटीबायोटिक यह क्रीम है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इसका उपयोग 3 से 4 दिन कर लेते हैं तो आपकी खुजली की समस्या और दाँत की समस्या वह दूर हो जाती है। तो बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि यदि आपकी स्किन पर इसको यूज करने के बाद रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या फिर वापस से इचिंग होना शुरू हो जाती है, तो आप इसका उपयोग करना बंद कर दें, क्योंकि ये इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है इसकी प्राइस, इसको यूज करने का तरीका और इसके साइड इफेक्ट्स। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।